देगा? कहाँ चली गई? राधिका, राधिका, राधिका आई जावई बापू या ना सुलभा, राधिका और जावई बापू आए, जल्दी आ। अरे कुछ नहीं, हवा आई ना जोर से इसीलिए बुझ गया। तो चिंता मत कर बेटा, अब तू नारियल फोड़। अरे नारियल सड़ा हुआ निकला ना, अच्छा है, आने वाला संकट टल जाता है। सुलभा फेंक दे उसे। आओ राधिका, आओ अंदर, अच्छा कशी है इसका माजू छक्कुली, खुश है इस ना? अच्छा या न जा भाई बापू, चल। रात को 10 बजे के बाद पितृपक्ष लग जाएगा, तो मुझे उसे पहले ही निकलना होगा। ठीक है, आप ऐसा ही कीजिए, चाय लीजिए। आज छुट्टी ली थी अपनी? जी, मेरे बॉस बहुत ही अच्छे हैं। राधिका के बारे में जैसे ही सुना तो बोलने लगे कि अपनी मिसेस को उसके मायके छोड़ो। वैसे भी तुम पूरा दिन बाहर रहते हो, इसका ख्याल कौन रखेगा? और इस बार ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत है। जो पिछली बार हुआ वो पिछली बार जो भी हुआ था ना, वो सिर्फ राधिका की गलती की वजह से हुआ था। अगर राधिका तब घर के बाहर नहीं जाती तब वो सब कुछ नहीं क्या होता। आई तू भी ना, फिर वही बात। अब मैं आ गई हूँ ना तेरे पास, अब तो जैसा कहेगी ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगी, ठीक है? हाँ वैसा ही करना है तुझे। मैं कल इसे हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, सब चेकअप करवाऊंगी, तब मुझे अच्छा लगेगा। संजय दादा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे?
वो बाबा के पास गए हैं, वो कुंडली दिखाने। पता नहीं इसकी गोद कब भरेगी। सब ठीक तो है ना? कुंडली के अनुसार राहु काल चल रहा है और आज रात से पितृपक्ष भी लग रहा है। आने वाले 15 दिन बहुत कठिन है, ध्यान रखना होगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक रहा तो 16वें दिन शुभ समाचार जरूर मिलेगा। मैंने कहा सब ठीक रहा तो। सुलभा से कह देना अंधेरा होने के बाद घर से बाहर ना निकले। अब आप ही समझाइए उसे, आपकी बेटी है, मेरी कुछ नहीं सुनती। ठीक है, मैं बात करूंगा सुलभा से। कुछ चाहिए? पानी। संजय भाव लगता है अपनी पुरानी पत्नी को भुला नहीं पाए। आप पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। उन्हें ही पूछ लीजिए। सासू भाई अपने पोते को देखने के लिए तड़प रही हैं। वैसे मैं क्या कर सकती हूँ कि बेटे को टेम्पो चलाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। जी जी जी, मैं आ जाऊंगी। हाँ जी, थैंक यू। अब मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा है कि कल ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, कुछ टेस्ट करवाने हैं। तुम अपना ख्याल रखना, मैं तो रहूंगा नहीं यहाँ पर। लेकिन मैं हूं ना। अपनी ननंद का ख्याल रखने के लिए। चाय भी होगी?
पानी पानी चाहिए था ना? नहीं चाहिए? फिर सो जाओ, बहुत रात हो गई है ना। राधिका की चिंता बिल्कुल ना कर, तेरी बेटी मेरी बेटी, मैं इसका ध्यान रखेगी। अब सोनोग्राफी हो गई है, इसे थोड़ी देर आराम करने दे। जानती है तू, तेरी आई मेरी बहुत पुरानी मैत्रीन है, हम दोनों एक ही साथ इसी अस्पताल में काम करते थे। इसने तो नौकरी छोड़ दी, लेकिन मैं अभी भी लोगों की सेवा करती हूँ। तू इतनी सी थी तब से जानती हूं तुझे, तू अपनी शांता काकू को भूल गई होगी, लेकिन मुझे सब याद है। अच्छी बात, घाबरू नकोस ग पोरी, मैं आए ना, तू आराम कर, हाँ सब ठीक होगा। आमी आलोच, हाँ ये नजर अब आए, काळजी करू नको, आली मी। काळजी वाटते ना, काय करणार। इंजेक्शन लगवा लो, इसमें कुएं का पानी है। शांता को काय बोल लिया बताना। इसमें अजीब सा लगने वाली क्या बात है, अपनी शांता काकू है ना वहां पर, घर जैसी देखभाल होगी तेरी, आई की पक्की सहेली है वो। मैं मानता हूं हॉस्पिटल थोड़ा पुराना है, दूर है गांव से, पर सब कुछ है वहां। अब ये बेकार की टेंशन लेना बंद करो और मुझे भी टेंशन देना बंद करो। तुम्हें पता है ना तुम्हारे दादा का काम कैसा है, दिन रात कभी भी बाहर जाना पड़ता है, और मैं भी बालवाड़ी में रहती हूँ, तो किसके सहारे रहेगी घर पर बता। तुझे संभालना अकेले आई के बस की बात नहीं है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, समझ तू जरा। राधिका, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के हिसाब से तुझे 24 घंटा हॉस्पिटल की निगरानी में रहना है। मैंने जावेद बापू से बात की है, उन्होंने भी यही कहा है। तू काळजी करो ना कुबाड़ा, शांता काकू आए ना तिकड़े, वो तेरे अच्छे से देखभाल करेगी। और देख, जो हुआ सो हुआ, अब मैं तेरी मनमानी नहीं चलने दूंगी।
जल्दी से खाना खा ले और चलने के लिए तैयार हो। हाँ यहाँ ठंडी थोड़ी ज्यादा है तो नींद अच्छे से आएगी। थैंक यू काकू। आणि ऐक, अच्छी अच्छी बातें सोचना, मीठे मीठे सपने देखना और कुछ काम हो ना तो ये बेल बजाना। वो पास वाले कमरे में गंगूबाई है ना, वो आ जाएगी और मैं ऊपर वाले कमरे में हूँ। ठीक है? ठीक है। मस्त झोपायचं लाडू बाई आता। हाँ काही घाबरायचं नाही। हाँ झोप। Good night. यहाँ पे
मैं हूं ना। देखो कितना पानी है। पानी कहां? पानी है, सब सूखा ही तो है। ये मेरा ब्लैंकेट भी गीला है। अरे कहां गीला है, क्या हुआ तुझे? कोई बुरा सपना देखा होगा? हाँ, अंधेरे में डर गई? हाँ, अंधेरे में डर गई। अरे यहाँ तो लाइट आती जाती रहती है, अब भी आ जाएगी। चल तू सो जा। मैं हूं ना। हाँ, सो जा, कुछ नहीं हुआ। हाय, विचार करत असते का तू? हाँ, सारखी घाबरते। घाबरण्यासारखं काय मी आहे ना? काही नाही, आत्ता येईल लाईट। हा काकू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं। सो जा, आराम से सो जा। काकू मोमबत्ती जला दो। हाँ अभी लाई। ठीक है, हाँ सो जा। ऐसे होता है, तभी तो राधिका को मैंने हॉस्पिटल में भर्ती करने को कहा। ठीक हो जाएगा तो बिल्कुल। लड़की हो या लड़का, बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। मुझे तो बस तांबे परिवार का वंशज चाहिए, और वंश तो बेटे के संतान से ही आगे बढ़ता है ना। ईश्वर आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। मेरा मन कहता है बस ये पितृपक्ष खत्म हो जाने दो, आपको अवश्य शुभ समाचार मिलेगा। तुम छे तो उंडा साखर पड़ो।
तुला खात्री है वो राधिका नहीं थी? हो बाबा, वो राधिका हो ही नहीं सकती। हो बाबा, उसका पेट इतना बड़ा हो गया है जैसे उसको तीसरा महीना नहीं नौवा महीना लगा हो। आता तुम्हें संगा ये शक्य है का? हो, ऐसा हो सकता है। लाओ सर। क्या? अगर वो कोई आत्मा है तो वो लावसत ही होगी। जब कोई गर्भवती स्त्री बच्चे को जन्म देते हुए मर जाए तो उसकी आत्मा लावसत या गोती गर्भवती कहलाती है। ये काय बोलता है तुम्ही बाबा? आप तो पंडित हो ना, ये श्रद्धा और अंधश्रद्धा का फर्क जानते हो। विज्ञान इन सब बातों को नहीं मानता है बाबा। भूत प्रेत पर आजकल कौन विश्वास रखता है? बेटा, दिन है तो रात है, जहाँ उजाला है तो साथ साथ अंधेरा भी है। ईश्वर है तो दैत्य भी है। ये रहस्य है, रहस्य ही रहेगा। विज्ञान के पास भी उनका कोई जवाब नहीं। इसी आत्मा ने राधिका को अपने वश में कर लिया है। हमें पता लगाना होगा आखिर वो आत्मा चाहती क्या है। क्या चाहेगी आत्मा? आत्मा क्या चाहेगी? ये सब क्या बेकार की अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं तू? लाओ साथ गोदी गर्भवती, ये सब तकियानुसी बातें हैं, समझी? पागल हो गया तेरा बाबा। और तुझे इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? और बोल दे तेरे बाबा को कि हमारे घर के मामले में टांग ना अड़ाए। कुछ नहीं हुआ है राधिका को। पेट देखा गप्पा बस। कुछ नहीं हुआ है राधिका को, और तू अपने काम से काम रख, समझी? आई आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? मेरी छोड़ो, अपनी बीवी की फिक्र करो। क्या बोल रही हो तुम? क्या हो गया? राधिका के पेट में बहुत सूजन हो गई है। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसको तीसरे महीने का नहीं नौवे महीने का गर्भ हो। मंजे? मुझे बहुत गड़बड़ लग रही है। उसका स्वभाव भी बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरे बाबा कह रहे थे कि कोई आत्मा का चक्कर हो सकता है। आत्मा? हो, तुम्हें लौकर यहाँ। मुझे राधिका की बहुत फिक्र हो रही है। लौकर आत लौकर यहाँ। मैं आ रहा हूँ, फिर भी आते आते मुझे रात हो जाएगी। ठीक। So, 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 so,
बहुत शक्तिशाली ग्रंथ है ये, इसमें 52 अध्याय है। इसका पाठ करने से राधिका को उस आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी। बाबा आपको पक्का यकीन है कि ये सब आत्मा का किया धरा है? तुम जो कह रही हो अगर वो सत्य है तो जरूर आत्मा ही होगी। ये पंचगंगाओं का पवित्र जल है, राधिका के ऊपर 52 बार छिड़कना। अगर तुम्हारा कथन सत्य है तो हमारे पास सिर्फ एक रात ही बची है। आज की रात पितृपक्ष की आखिरी रात है, इसके बाद उस लावसत से राधिका को बचाना नामुमकिन है। लो कर्जा। से सुनना, 10 साल पहले इसी अस्पताल में मेरी बेटी नम्रता की मौत हो गई थी। उसकी डिलीवरी इसी लक्ष्मी ने की थी और डिलीवरी के दौरान माँ और बेटे दोनों खत्म हो गए थे। तभी से लक्ष्मी को श्राप मिला है कि उसके बेटे के साथ उसका वंश खत्म हो जाएगा। तो बहुत सही समय पे आ गई है पुरकी, अब तुझे नम्रता के लिए और अपने परिवार के लिए अपने और अपने बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। समझ रही है ना तुम्हें क्या कह रही हूँ? चल जल्दी कर नम्रता, जल्दी कर। शराब से हमें मुक्ति मिले और तेरी गोद भरे। मेरे लिए? हो तेरे लिए। अपनी बेटी के गर्भ की आहुति देकर बेटे का वंश बढ़ा रही हूं मैं, समझ में आया तुझे? काय बोलता है तुम यही? हाथ उछाड़कर मुझे अपनी गोद नहीं सजानी, काय करता है तुम्हें? वो तो पहले से विधवा हो चुकी है,
दिलीप मर चुका है। क्या? मैं राधिका को मरने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो कौन रोकता है मुझे? सुल्भा खबरदार, जो आगे बढ़ी तो आउची हाथ छोड़, छोड़, I don't know,